हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज शुरुआत हो रही क्यान से, क्योंकि क्यान का डे है तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज हम क्यान को लेकर गए हैं घूमने। और कहाँ गए? काफी लोगों को तो पता चल चुका होगा कि हम कहाँ गए, क्योंकि जो देहरादून में रहते हैं उन्हें तो पहले से ही पता होगा कि हम कहाँ गए। और हम गए डियर पार्क, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को तो बहुत कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे, इतने प्रकार के एनिमल्स है। और ये देखो मंकी, इस मंकी ने तो मेरा आज कर दिया था, मुझे अपने साथ लेके चला जाता। इसने मेरे चिप्स उठा के लेकर चला गया था। ओ माय गॉड, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ने मंकी को देख के। और ये देखो हम आए देहरादून जू घर, और इतना अच्छा है ये बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम क्यान को लेकर गए, पहले हम सोच रहे थे कहाँ लेकर जाए, हमने कहा ये सबसे बेस्ट जगह होगी तो हम क्यान को यहाँ लेकर गए। क्यान देखो, क्यान उस झूले को देख के इतना ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि क्यान को लग रहा था कि मैं इस झूले पे झूलूं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और आगे से और बच्चे खड़े थे, हमने कहा इस पे नहीं झूल पाएगा क्योंकि काफी लेट नंबर आएगा, अभी आगे बहुत ज्यादा घूमने के लिए, तो हम चलते हैं। वो थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे आगे ले गए, हमने उसे थोड़ा सा हैप्पी कराया। और वहां पे पैंथर भी है, पता नहीं क्या कहते हैं, वहां हमने उसकी फोटो खिंचवाई। मैंने कहा स्माइल तो करो, वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, उसे झूला झूलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर हमने इसमें चढ़ाया, इसे स्लाइड में, तो यहाँ पे वो खुश हो रहा था थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा चलो आओ, जब उसने स्लाइड पे खेला तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो खुश भी हुआ थोड़ा सा। ये मैं उसे कहती आ जाओ जल्दी, क्योंकि ज्यादा ऊंचा था ना, थोड़ा सा उसे डर लग रहा था, लेकिन वो आ गया। फिर मैंने कहा चलो आगे आगे चलते जाओ, अभी तो आपको बहुत सारे सरप्राइज देने के लिए, बहुत सारी चीजें देखोगे आज आप। फिर ये देखो, ये आगे यहाँ पे छोटा भीम, ये क्या कहते चुटकी, ये बहुत सारी चीजें थी, तो उनको देख के वो खुश हो जाता है, उन्हें उसे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो यहाँ पे फोटो खींच लेते हैं चश्मा पहन के, चश्मा उसे मेरा अच्छा लगता है, वो मेरा चश्मा ज्यादा पहनना पसंद, अपना नहीं पहनेगा, लेकिन मेरा चश्मा पहनना उसे बहुत ज्यादा पसंद। उसने फोटो नहीं खिंचवाई, वो मना कर रहा था कि मैंने नहीं खिंचवानी फोटो, उसे खेलना था उनके साथ। ये बच्चा देखो, हम कल आए थे जब क्यान बहुत छोटा था, तो हम क्यान को लेकर आए थे यहाँ पे, उसके बाद तो खैर आना नहीं हुआ था। और यहाँ पे इतने प्रकार के बर्ड्स थे, इतने प्रकार के बर्ड्स थे कि पूछो मत, इतने पैरेट थे यहाँ पे, ये तो मैंने शायद यही आकर ही देखा होगा, इतने ज्यादा प्रकार के, मतलब बहुत सारे बर्ड्स थे यहाँ पे। पैरेट ही पता नहीं कितने कलर थे, वो पैरेट। अब इसके बाद जो आने वाला है आप भी देखते रह जाओगे, ये थे लव बर्ड्स पैरेट। तो बहुत सारी चीजें बच्चों को आप सिखा सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल दिखा सकते हो उसे आराम से। और क्यान में जा रहे थे, मैंने कहा क्यान पापा को हेलो कर दो, उसने हमने पापा को हेलो करा। और मैं क्या उमंग को बताती जाती कि हम पहले क्यान छोटा सा था तब आए थे, लेकिन उमंग कहते हैं कि नहीं हम बीच में लाए थे क्यान को, हम बीच में लाए थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कब लाए थे। फिर मुझे बाद में याद है, हाँ एक बार हम और पहले भी आए थे यहाँ पे। उमंग कहती है आती रहती है और भूल जाती है। और अब थी बारी पीकॉक का देखने की। ये देखो पीकॉक इसके अंदर है, और पीकॉक जो अपने पंख फैलाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये देखो, लेकिन अभी वो फैला नहीं रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब बारिश होती है तो मोर बहुत डांस करते हैं, लेकिन बारिश वाले दिन तो जा नहीं सकते क्योंकि वह इतना बड़ा है, भीग जाएंगे अच्छे से। और उसके बाद देखो ये वाला, इस पैरेट्स का नाम ब्लू एंड येलो मकाऊ पैरेट था, ये ब्लू कलर का पैरेट था। ये उमंग क्यान को दिखा रहे थे खुश होकर, क्यान भी एंजॉय कर रहा था, फुल देखते जा रहा था। उसका तो मन करता है कि बर्ड्स को मैं पकड़ लूं, उमंग उसको गोद में उठा, क्योंकि ऊंचा था क्यान, उतना ऊपर तो पहुंच नहीं पाता, लेकिन वो अपने पापा की गोद से देख रहा था सारे बर्ड्स, उसके पापा ने उसे दिखाया आराम से। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली, जैसे आपको हकीकत में लगने वाला है मोर, ये देखो लग रहा है ना असली वाला मोर, लेकिन ये असली वाला मोर नहीं है। इसका नाम क्या था, मैं भूल गई इसका नाम क्या था। और इतना बड़ा पता नहीं पक्षी है क्या, ये बहुत ही बड़ा है देखने में, इसके पैर इतने लंबे लंबे हैं बहुत ज्यादा। ये ईमू, ये उसी के बगल में था, ये क्या था इसे मुझे, ये देखो इसके एक्स भी ब्लैक कलर के, इतने तो मुझे इनके नाम भी, मैंने तो यहीं पर देखे क्या क्या चीजें यहाँ पर। और ये वहां पे लोग उसके इतनी फोटो खिंचवा रहे थे ना, और ये आराम से खेलते अकेले अकेले, बेचारे इनके कोई फ्रेंड्स ही नहीं होते, ये अकेले एक पिंजरे में रहते हैं। और ये वाला हिमालय में, इस पे लिखा हुआ था कि हिमालय में मिलते हैं ये ज्यादा, हम तो इसे गीत कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं वो भी मुझे जरूर बताना। और इसके बाद हम कहाँ जाने वाले थे, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता मुझे इस जगह का, सबसे अच्छी चीज लगती है क्यान को। मैंने कहा चलो चलते हैं, पहले तो हमें इससे पहले हम कहते हैं कि हम मगरमच्छ देखते, मैंने कहा चलो मगरमच्छ देखते,
ये जो कि मुझे बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं मगरमच्छ, देखने में भी इतने अजीब होते हैं, बहुत ज्यादा अजीब होते हैं मगरमच्छ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। छी, और वो धूप में पड़े रहते हैं सारा दिन, मैं कहते हैं धूप में पड़े रहते हैं, जब पानी में जाना हो तो पानी। इसके बाद आई बारी एक्वेरियम जाने की, जहाँ पे इतने प्रकार के फिश थे, बहुत ही ज्यादा प्रकार। चलो फिर चलते हैं अंदर, हम पहले टिकट वाले भैया को टिकट तो दिखा दे कि टिकट, हम अंदर जाने की टिकट ली। और जैसे हम अंदर गए, क्यान का मन तो कर रहा था जाके फिश पकड़ लो, लेकिन यहाँ पे लिखा था साफ साफ कि यहाँ पे पानी को टच ना करें, पानी में करंट है। और ये देखो इतना प्यारा लगा था, सच बताऊं तो मेरा भी बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि इस पे हाथ डालो और इन फिश को पकड़ लो, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक फिश नहीं पकड़ी है। और अब देखो इतनी सारी फिश मैंने कभी भी नहीं देखी सामने से, यहीं पर ही देखी है मैंने ये वाली फिश। मतलब देखो भीड़ देख के लग सकता है कि एक्वेरियम, ये देखो टोर्टाइस, ये भी मैंने रियल में अभी ही देखा है, मतलब इसी में ही देखा है, इससे पहले नहीं देखा है। और यहाँ पे इतने ऑरेंज फिश, व्हाइट फिश, ब्लैक फिश, ये देखो कितने प्रकार के फिश थे। अब इसके बाद जो एक और फिश आने वाला, मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे, और क्यान भी खुश होता है फिश को देख के, मन करता है ना, आप सभी का भी कर रहा हो ना, जाके पकड़ ले इनके साथ खेले, लेकिन टच नहीं कर सकते यहाँ पर। ये देखो व्हाइट वाली फिश, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छी फिश लगती है, देखो ना कितनी प्यारी और कितनी क्यूट फिश है। इसे पकड़ के, पकड़ने का दिल बहुत कर रहा था लेकिन ये करना नहीं है। और ये देखो पता नहीं इतनी फिश थे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा, और सब कुछ इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जो जो फिश कहाँ मिलती है, कहाँ ये, मतलब बच्चों को आप समझा सकते हो अच्छे से, हम समझा सकते हैं कि ये मछलियाँ कैसे है, फिश कैसे। इसके बाद आते हैं कैक्टस गार्डन की, जो कि इससे पहले हम गए नहीं थे, उसके बाद हम अंदर गए। वाओ, मतलब कैक्टस तो मैंने एक या दो ही देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं कैक्टस, लेकिन इतने प्रकार के कैक्टस तो मैंने पहली बार ही देखा है। ये देखो इतना सारे कैक्टस, इतने, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल भी थे ना जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। वो तो मैंने फूल तो मैंने देखे यहाँ पे, जो छोटे छोटे पौधे लगे वो तो इससे पहले देखा है मैंने, लेकिन कैक्टस तो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा, और इतने सारे कैक्टस तो कभी भी नहीं, और प्यारे भी लगते हैं। वैसे इन्हें टच नहीं करना चाहिए, टच करेंगे तो हाथ में, यहाँ पे तो लिखा हुआ था खैर किसे टच नहीं करना है, लेकिन हकीकत में भी टच नहीं करते इन चीजों की, और हाथ में लग गया तो बहुत ज्यादा हाथों में चुभता है। तो मैं क्यान को ये चीजें समझा रही थी, क्यान इसे टच नहीं करना, दूर से देखना जितनी देर तक देखना हो। एक क्यान के पापा मेरे कैमरामैन बने और मेरा बेटा मेरा पर्स मैन, जो कि पर्स उठा के घूम पे जा रहा है, और उमर को बना दे कैमरामैन। और ये वाली जगह देखो कितनी शांति वाली जगह है, इतनी शांति, बहुत ही शांति। मेरा मन कर रहा था जाके बीच में बैठ जाऊं, और इतनी शांति, मतलब बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था यहाँ पे। और रास्ते तो देखो कितने प्यारे बनाए हुए हैं, बीच में लकड़ियां लगाई हुई, इधर उधर लोहे लगाए हुए, मतलब पूरी टाइप बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा। ये कैक्टस गार्डन से अंदर था, मैं क्यान को कहती क्यान आपको अच्छा लग रहा है, क्यान फुल इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो ना थक चुका था, उसके खाने का टाइम हो चुका था और उसके सोने का टाइम हो चुका था। वैसे हम भी थक चुके थे, क्योंकि वहाँ खाना लेकर जाना अंदर अलाउड नहीं है, तो हम पानी भी नहीं लेकर आए, तो कुछ भी हम लेकर नहीं आए, तो अब हमें भी भूख प्यास दोनों ही लग रही थी, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, बहुत ही बड़ा है तो टाइम लेकर ही जाना पड़ता है। और आज के सभी को पता है छोटे छोटे दिन है, तो वो क्या कहते हैं आजकल थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, तो मैं क्या ना आगे भाग रहा था, तो मैं उसे समझाती कि इन्हें टच नहीं करना, अगर टच करा ना इनके फिर हाथों में चुभ जाएगा, तो फिर बहुत रोओगे आप, ये फिर हम आराम से देख रहे थे। और मैं उसे बताती ये है कैक्टस, इतने प्रकार के कैक्टस है, तो कैक्टस टॉय की याद आ रही होगी, जो कि कैक्टस टॉय जो गाते रहते हैं वो चीजें देख रहा होगा। फिर हमने वहां से बाहर आ गए हम, फिर अब जब आ रही थी हमें, अब आ रही थी हमारी और जगह डियर लॉयन देखने की। उमंग कहते हैं पहले लॉयन देखने चलो, मैंने कहा नहीं यहाँ पे जाते हैं, मुझे ये जगह अच्छी लगती है, मैंने कहा पहले यहाँ जाए, इससे पहले भी उमंग मना करते, मैंने कहा नहीं आज तो मैं और क्यान को लेकर चलो आप, क्यान मुझसे पहले, मुझसे जाना तो क्यान को जल्दी थी, क्यान तो मुझसे पहले ही भाग रहा था। फिर हम गए पहले वहां पे फोटो खिंचवाने, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी जगह लगती है, मैंने बहुत लोगों को देखती हूँ लेकिन मेरे को टाइम, मैंने उमंग को कहा मैं इनकी तरह स्टाइल करती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाते जाना। एक दो स्टाइल करी लेकिन ज्यादा मैं कर नहीं पाती, मुझे क्यान का भी डर लग रहा था कि कुछ गिरा ना दिया। देखो आपको दिख रहा होगा शेर, शेर है, लोयन है, टाइगर है, पता नहीं क्या है, लेकिन उधर से ना बंद करा हुआ था, जहां से उमंग देखने को कहते, मैंने कहा चलो इधर आए तो एक फायदा हो गया कि हमें लोयन दिख गया है। फिर उमंग कहते चल इधर से भी देखते हैं जरा दिखता है कि, लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने ग्रीन पट्टी लगाया हुआ था, शायद कुछ होगा इसलिए उन्होंने ग्रीन पट्टी लगाया, तो नहीं तो हमेशा आगे से खुला यहाँ से पूरा दिखता है लोयन, और डर भी नहीं लगता है जाके, किसी दिन आ गया ना झपेटा मारने, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगता है इन चीजों को देखने में।
और मैंने कहा चलो डियर देखते हैं, कैन को डियर दिखाते हैं, ये देखो। और डियर इतने पास आया हुआ था, मैं इससे आया कि बहुत ही ज्यादा, ये देखो बारह सिंगा, पता नहीं क्या क्या डियर थे यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पे। मैंने कहा एक एनिमल्स की तो मैंने अच्छे से वीडियो बनाई थी, ये देखो इतनी नजदीक आ रहा था ना, और सभी ने इसकी फोटो अच्छे से की। फिर मैंने उसके बाद कैन से पूछा कि कैन आपको कैसा लगा, तो कैन ऐसे रिएक्शन देता है। मैंने कहा आपको अच्छा लगा, तो कैन का रिएक्शन ये देखो, उसे ठीक ठाक ही लगा। वैसे उसके बाद हमने शॉपिंग करनी थी, हमने लेना था क्रिसमस ट्री और कैन के लिए स्वेटर वगैरह क्रिसमस के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आज हो पाएगा। ट्री तो हम ले ही नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि उठा नहीं पाएंगे, काफ़ी टाइम हो चुका था। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पेंड करने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।